मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ आप लोगों को बताएंगे। आप जानिए क्या है टेस्ट थ्री के बारे में और देखिए टेस्ट थ्री को एक बहाना है आप लोगों से मिलने के। एक संदेश हम लोग एक मीडिया वाले देते हैं, जब भी कोई विपरीत परिस्थिति में होता है, जब भी कोई व्यक्ति कोई जनता कोई अधिकारी या आम जनता 30% सुने 10 नंबर कम से कम गलत कर देता आप जानते हैं, तो इसे आपका रैंक भी कम हो जाता है और मार्क्स भी कम होता है, जिसको आप अपने टेक्निकली उसको दूर कर सकते हैं। इन सब बातों को लेते हुए मिथिला मंच न्यूज ने 2007 से उस समय तत्कालीन आईजी थे उन्होंने स्टार्ट किया था कि छात्रों की लिख दीजिए बोर्ड में सीधा एग्जामिनेशन देने से करीब 30-40% स्टूडेंट का मार्क्स कम हो जाता है। अगर उन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिया जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हर बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले 8 टेस्ट देते हैं, जो भी दरभंगा के बढ़िए अनुभवी शिक्षक हैं जो छात्रों के लिए सोचते हैं उनके यहाँ जा करके हम उनको कन्विंस करते हैं। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में तो कॉपी आपको नहीं मिलती है, क्या गलती किया क्या नहीं किया ये तो आपको समझ में नहीं। हम क्या करते हैं कि हर टेस्ट की कॉपी अगले टेस्ट में आपको वापस कर देते हैं घर ले जाने के लिए कि आप देखिए घर पर आपने क्या सब्जेक्टिव लिखा है, क्या ओएमआर में आपने गलती किया। अगर आपको कॉपी मिल जाए तो आप गलती सुधार सकते हैं नहीं। 8 बार आपको मौका मिलता है अपनी गलती को सुधारने का कॉपी देकर, इसीलिए हम लोग कॉपी वापस कर देते हैं। दूसरा हमारा एग्जामिनेशन सेंटर मड़वाली कॉलेज में होता है जहाँ पीछे मुड़ के भी नहीं दे सकते, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर हम लोग लेते हैं ताकि अंदर जो डर है बोर्ड एग्जाम जाने में वो खत्म हो जाए। इसके अलावा आपको हम बता दें कि टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा और वो सही ढंग से उसको पढ़ाई नहीं हो पाई तो उसको लगा कि मेरा कैंडिडेट खराब हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अभी 1 महीना पहले वो आया है हार मान करके, तब उसको यहाँ पर हमने एक दो टीचर के यहाँ 1-1 घंटा एक्स्ट्रा समय दे करके उसको भी टीचर पढ़ाए। तो ये सबसे बड़ी हार होती है उस स्टूडेंट की जो अभी गांव स्तर पर 11th 12th पढ़ते हैं, इसलिए वो स्थान 11th 12th दरभंगा के लिए है और फिर इंटरमीडिएट के बाद आता पटना कोटा दिल्ली जहाँ जाते हैं। सब जगह शेड्यूल होता है ना, DMCS भी है और आपको जब DMCS से हार जाता है पेशेंट को तब उसको भेजा जाता है पटना PMC। तो इसी तरह का निर्णय लीजिए और आप समझेंगे। हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि हर वर्ष स्टूडेंट अपनी गलती से बिहार बोर्ड का रिजल्ट खराब कर देता है। समझिए 20% स्टूडेंट एग्जामिनेशन छोटिया का शिकार होता है, वो 20% स्टूडेंट रॉ नंबर रॉ और गलत लिखता है एग्जामिनेशन में। जैसे 2041 हुआ तो 2014 लिख देगा, वो तो निश्चित है कि परीक्षा दे दी अच्छा से लेकिन उसका रिजल्ट पेंडिंग होता है और उनका 1 साल बर्बाद होता है स्टूडेंट को। दूसरा ऑब्जेक्टिव में OMR शीट में ABCD में पहले B को प्राप्त करता है, फिर देखा गलत है उसको काट के फिर सी किया, आपका मार्क्स इसी तरह अगर 10 गलती में आप करते हैं, अगर 10 नंबर एक सब्जेक्ट में आ गया तो 30 नंबर काफी है। गुड मॉर्निंग, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अब आपका समय एकदम नजदीक आ गया, इसलिए हम कई जगह पे जाकर के आप कहेंगे सबको जाइए। 2 महीना बचा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, मान के चलिए 2 यानी 60 दिन, और हम यहाँ भी सर का हमेशा सहयोग रहा है, सर दिल से आपके कैरियर से जुड़े रहते हैं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट असफल ना हो या कम मार्क्स दिए, इसलिए सर गंभीरता से हमें बार बार हर वर्ष आप लोगों को कन्विंस करने के लिए बुला। 60 दिन बचे हैं और अगर 5 घंटे जो सर पढ़ाते हैं जो नोट्स देते हैं जो असाइनमेंट है उसको अगर रेगुलर हर वर्ष 2 स्टूडेंट याद करके लिखने का प्रैक्टिस किया है तो 70% के आसपास निकला है इम्प्रूवमेंट। हम गवाह, इसीलिए 5 घंटे अगर सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो 300 घंटे आप बचे आपके बोर्ड एग्जाम से, मात्र 300 घंटे, और इस 300 घंटे को अगर गंभीरता से आप नहीं लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सर पढ़ाते हैं हम लोग उसको टेस्ट के रूप में लेते हैं जो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर CBSE और बिहार बोर्ड के पैटर्न पर हम लोग 8 टेस्ट लेते हैं जिसमें 4 चैप्टर वाइज होता है और 4 फुल सिलेबस होता है। हमारे टेस्ट मड़वाली कॉलेज में होता है और हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और इंग्लिश सबकी टेस्ट लेते हैं, और जो पहला टेस्ट होता है पहला 4 टेस्ट
हमारे देश की खासियत यह है कि हम आपको परीक्षा टेस्ट हो जाने के बाद दूसरे टेस्ट में कॉपी आपको वापस कर देते हैं, जांचने के बाद घर ले जाते हैं। अगर आपको कॉपी मिल जाए तो दूसरे टेस्ट में आप इम्प्रूव